दोस्तों, काफी दिनों से आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर खूनी बाबा सिर पर हमें वीडियो दीजिए, और उसी मांग के अनुसार हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने दर्शकों की मांग के अनुसार उनको वीडियो दें, जिससे वो लाभान्वित हो सकें और वो अपने रोग से मुक्ति पा सकें। तो दोस्तों, हम आज बताने वाले हैं आपको किस प्रकार खूनी बाबा सिर से आप बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं सदा सदा के लिए, एक मामूली से घरेलू उपाय से। और दोस्तों, आज हम ये भी जानेंगे इसमें कि आखिर बवासीर ये होती क्यों है, दरअसल ये रोग है क्या है। सब रंग आयुर्वेद यूट्यूब चैनल के साथ दोस्तों, जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर मेरे चैनल को, जो ये लाल वाला बटन आप देख रहे हैं, इसको दबा करके सब्सक्राइब कर लें, और एक ही दबाने के बाद जो ये बेल आइकॉन आया, इसको भी आप दबा कर आर वाले भाग पर क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो की नई जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं सईद गौहर। दोस्तों, हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिरी बवासीर होती क्यों है, इसके कारण क्या है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मैं आपको डायरेक्ट मेडिसिन बता दूं और आप वो लेते रहें, बट आप 10-12 दिन ठीक रहें, फिर उसके बाद आपको वो रोग हो जाते, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि मैं आपको यूनिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, प्योर घरेलू होममेड 100% देता हूँ। दोस्तों, पाइल्स अपने में कोई रोग नहीं है, ये सिम्टम्स है हमारा पौष्टिक प्रसंस का। जी हाँ, जैसे हम तला भुना ज्यादा खाते हैं, पूरी, पराठा, पकौड़ा, समोसा, ये चीजें हम जब खाते हैं तो हमारी आंतों में जो हमारा लेटरिन को जो लाभ दे करके बाहर निकलता है, तरल पदार्थ वो खुश्क हो जाता है, और इससे हमारा स्टूल टाइट हो जाता है, जिससे हमारे जो गुदा द्वार छिल जाता है और इसके साथ ब्लीडिंग होती है, जिसे हम हेमोराइड कहते भी हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सबका उपचार क्या है। दोस्तों, खूनी बवासीर का उपचार बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आप थंबनेल देख रहे हैं, ये एक बाजी बवासीर के लिए ऐसा रामबाण उपाय है कि जो मैं 20 वर्षों से लगातार अपने हजारों रोगियों को जिससे मैं ठीक कर चुका हूँ, और आज तक मैंने ये किसी पर भी फेल होते नहीं देखा है। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो में जाकर के इसको क्लिक करके भी इससे लाभ आप उठा सकते हैं। प्यारे साथियों, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं लेना है, आपको लेना है एक गिलास मठा। जी हाँ दोस्तों, ये आप एक गिलास मठा देख रहे हैं, और याद रहे मठा चाहे खट्टा हो या मीठा हो, लेकिन बराबर ये काम करेगा। और इस दूध के साथ में आपको लेना है भुनी हुई अजवाइन। ये देखिए, मैं आपको अजवाइन दिखा रहा हूँ, इसको हम चूर्ण बना लेते हैं। और इस चूर्ण को करना क्या है, आपको रोज सुबह आपको एक चम्मच इस मठे में डालकर पीना है। देखिए, मैं दिखाता हूँ, ये मैंने इसका चूर्ण ले लिया है। ये देखिएगा, कम से कम 3 से 4 ग्राम है ये, या इसको हाफ टी स्पून भी कह सकते हैं। और इसको आप मठे में इस तरह से डाल दीजिएगा, और इसको हल्के हाथ से चला लीजिएगा, और ये चल के तैयार हो जाए आपका, तो बहुत बहुत स्वादिष्ट ये आपका मठा हो जाएगा। और इस मठे को आप रोजाना सुबह खाली पेट इसको ले लेना है, और ऐसी ये आपको रात को सोते समय भी लेना है। मगर मैं यहाँ पे एक बात को क्लियर कर दूं कि जिन लोगों को गठिया या जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है, तो वो केवल इसको सुबह के टाइम ही एक टाइम इस्तेमाल करें, वो रात को कदापि ना लें। और दोस्तों, इसके साथ साथ में आपको दो चीजें और ध्यान रखनी है कि जब ये आप इलाज ले रहे हैं, तो इसके पीरियड के दौरान में आपको ज्यादातर सुपाच्य भोजन लेना है, हरी सब्जियां लेनी है पत्तेदार, और कोई भी अगर आप सब्जी खा रहे हैं तो वो रसीली होनी चाहिए, जी हाँ, खुश्क ना होनी चाहिए, जिससे हमें कब्ज की समस्या बन जाए। दोस्तों, आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। अगर आपके मन में कोई भी सवाल रहता है, तो ये जो मेरे स्क्रीन पर आप व्हाट्सएप नंबर चलते दिखाई दे रहे हैं, इस पर भी कमेंट करके मुझसे मालूम कर सकते हैं, या मेरे सीधे कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए, अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मैं सईद गौहर, कैमरामैन, एडिटर साहिब आलम के साथ सदरा आगे यूट्यूब चैनल से।